तो ठीक है, नहीं तो कैंपिंग करेंगे आज शाम को भाई। यहाँ पर आकर के ना अलग ही गंदा है यार इस पानी की, क्योंकि इस जल को भी पवित्र गंगा जल की धारा। मैं खड़ा हूँ तपोवन आश्रम में है दोस्तों, यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। एक और नए दिन की शुरुआत के साथ आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज तो आसमान में बादल लगे हुए हैं, बट मैं निकल चुका हूँ धर्मशाला से। एंड आज मैंने सबसे पहले सोचा है क्यों ना यार अपनी गड्डी की सर्विस कराई जाए। सुबह के अभी 11:30 हो चुका है, क्योंकि सुबह ना काफ़ी ज़्यादा लेट में उठा था मैं। गाड़ी को अभी चेक कर रहे हैं भैया, कहाँ पे क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है। ब्रेक शू और ऑयलिंग सब कुछ पूरा बढ़िया तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ना पहाड़ की ओर निकल जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इससे अच्छा पहले ही हम चेक कर लें। ख़त्म हो रहा है ऑयल, कितना टाइम लग जाएगा अभी ऑयल चेंज करने, ब्रेक शू चेक करने में, सारा टाइम सर्विस भी हो चुकी है कम्प्लीटली पूरी। और मैं जा रहा हूँ अभी सहस्त्रधारा तपोवन की ओर। एक्चुअली पहले कवर करूँगा तपोवन टेम्पल, और मैं पहुँच चुका हूँ अभी वैदिक साधन आश्रम तपोवन। तो तपोवन का गेट रहा ये, माफ कीजिएगा अभी तक वीडियो की शुरुआत नहीं की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अतुल्य देव भूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। अभी मैं खड़ा हूँ तपोवन आश्रम में है दोस्तों। यह तपोवन आश्रम वही स्थान है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। के 8 अंग लिखे हुए हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। और दोस्तों यह है महर्षि दयानंद यज्ञशाला। तपोवन आश्रम में दर्शन भी हो चुके हैं, और साथ साथ में आज का भोजन जो था यहीं पर हुआ। और ऊपर से यहाँ पे जो भोजन माता थी उन्होंने मेरे रास्ते के लिए इसमें रोटियां और सब्जी भी पैक कर दी। बोले आप इतनी बड़ी यात्रा में निकले हो तो आप यहीं से खाना ले जाओ, आपके शाम के खाने का इंतज़ाम मैं यहीं से कर देती हूँ। तो माता जी का दिल से धन्यवाद। अब मैं निकल चुका हूँ आगे सहस्त्रधारा की ओर। दोस्तों सहस्त्रधारा वह स्थान है ना जहाँ पर गुफाओं से पानी टपकता है, और वह पानी नॉर्मल नहीं होता, उससे एक अलग सी गंध निकल करके आती है, और जो कि एक दवा का भी काम करता है चर्म रोगों में खास तरह से। वहाँ पे जाकर के स्नान करते हैं जिससे कि सारे चर्म रोग दूर होते हैं ऐसा बताया जाता है। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस स्थान को देखने के लिए। एंड यहाँ से सहस्त्रधारा लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेन देहरादून सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों फिर निकलते हैं सहस्त्रधारा की ओर। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है, और देखो पहाड़ों पे कैसा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डरावना, ऐसा लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है। सहस्त्रधारा की मार्केट जो है ऊपर है, चलो अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ प्राचीन शिव मंदिर यानी द्रोण गुफा की ओर, जिसका काफ़ी ज़्यादा रहस्य है। गाड़ी को मैंने पीछे पार कर दिया है, और यहाँ पे यानी सहस्त्रधारा में एंट्री 10 रुपये की होती है। रोपवे पीछे देखने को मिल रहा है, एंड स्विमिंग पूल है, और भी आप गुफाओं में जा सकते हैं, टेंपल में आप दर्शन कर सकते हैं। गुफा है प्राचीन गुफा, और ये रहा प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पे लिखा भी है सहस्त्रधारा गंधक पानी। तो आइए अब चलते हैं आगे, और मैंने तो पहले ही स्लीपर जूते खोल लिए अपने। कुछ लोग नदी में उतरे हुए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, और कुछ लोग ऊपर गए हुए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि इस जल को भी पवित्र गंगा जल की धारा ही माना जाता है। और यहाँ पर काई बहुत ज़्यादा लगी रहती है, संभल करके चलने की ज़रूरत है। हाँ भैया, इस जगह का नाम सहस्त्रधारा, ये प्राचीन शिव गुफा,
वीडियो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इन्हें फेमस कर दो। हम कौशल हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? रुद्रपुर। कहाँ से? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से? अच्छा, ये भैया जी लोग सभी लोग रुद्रपुर से हैं। और चलो फाइनली मैं गुफा तक तो आ ही गया, लेकिन यहाँ मैं अकेले आया हूँ। यहाँ इस गुफा तक बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं बोलूँ या आ ही नहीं रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर भाई यहाँ पर आकर के ना अलग ही गंदा है यार इस पानी की, सच में ये रियलिटी है। और ये तो सारे रोगों का निवारण करेगा। ओए मैं भीग भी गया। अकेले अकेले इंजॉय कर। पर भी उड़न खटोला की सुविधा है, ये आप देखिए उड़न खटोला की भी आप पूरे मज़े ले सकते हैं। ऊपर टॉप से है, टॉप से लेकर के यहाँ तक, वाह कितना मज़ा आ रहा है। इस लोकेशन पर मैं एक रात्रि विश्राम करना चाहूँगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगर शाम को रुकने की व्यवस्था या कुछ भी होता है तो ठीक है, नहीं तो कैंपिंग करेंगे आज शाम को। तो मतलब मन कर रहा है मेरा एक शाम को रुकें, कल सुबह स्नान करके फिर चलेंगे आगे को। अब मैं शिव गुफा में दर्शन करके तो आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सहस्त्रधारा मार्केट की ओर। देखते हैं यहाँ की मार्केट कितनी सुंदर है। और सहस्त्रधारा रोपवे को जाने के लिए रास्ता ये रहा, और टिकट है 200 रुपये पर पर्सन। टिकट घर से पहले टिकट लेना होगा, उसके बाद ही आप रोपवे का एंजॉय ले सकते हैं। आप लोग फैमिली के साथ यदि यहाँ पर आते हैं तो आप फुल इन्जॉयमेंट कर सकते हैं एंड तरह तरह की एक्टिविटीज़ के साथ साथ, जैसे कि देखो झूला है, आगे स्विमिंग पूल है, रोपवे है, उड़न खटोला जिसे बोलते हैं, एंड नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी लोग स्नान कर रहे हैं। इतना सभी कुछ भरपूर आनंद लेने के लिए आपको अपनी जेब में ना मोटी रकम लेनी पड़ेगी। जैसे कि देखो लॉकर का 50 रुपये प्रति घंटा है, इसका चार्ज लगेगा एंड चेंजिंग रूम का जैसे 10 रुपये है पर पर्सन, तो तरह तरह के आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। यह मार्केट तो ज़्यादा है नहीं आगे को, और यहाँ पे कई सारे शटर भी बंद हो रखे हैं। आई थिंक इतना ही है लास्ट तक। जो प्राचीन शिव मंदिर था सहस्त्रधारा में, तो अभी मैं उसी में खड़ा हूँ एक हॉल में। देखो सारा सामान मैंने साइड में रखा हुआ है, हेलमेट को टांग दिया, पैंट भी टांग दी। अब मैं आज लगाऊंगा यहाँ पर कैंप, तो इतने बड़े हॉल में एक लगेगा कैंप और रहूँगा भी अकेले। एंड माता जी ने तो आज खाना रखा हुआ है और वही खाना खा लेंगे शाम को, क्योंकि बहुत सारा खाना रख दिया और ऊपर से पेट अभी तक मेरा फुल है। एंड चलो जल्दी जल्दी यहाँ पर हल्का सा साफ करते हैं, क्योंकि हल्का गंदा हो रहा है ना ये, थोड़ा बहुत फ्लोर को साफ करते हैं और ऊपर से यहीं पे आज कैंपिंग करेंगे। चलो कैंप लगाते हैं। मैंने कैंपिंग के लिए टेंट लिया था, मुझे उसका आइडिया भी नहीं है उसको कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर आज लगाऊंगा ना मैं, थोड़ा बहुत सीख भी जाऊंगा। चलो जल्दी से निकालते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। फाइनली हमारा कैंप लग चुका है। टेंट लगने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, सारा सामान मैं अंदर ले आया। एक खास बात और बताऊँ, जिस हॉल में मैं रुका हूँ ना यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, और फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, और बाद में मैं वीडियो को एंड भी नहीं कर सकता लाइट न होने की वजह से। इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल एक और नए दिन की शुरुआत होगी सहस्त्रधारा से। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड जल्दी मुलाकात होगी कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।